हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एयर आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में बायो साइंस मीन्स एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी जो जेएनएम फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है, इसका यहां पर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो अगस्त 2024 में पूछा गया है। तो आप वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर देखोगे यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स और मैचिंग टाइप क्वेश्चन, इसके साथ साथ शॉर्ट नोट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं बायो साइंस का क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, यहाँ पर बायो साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर द्वारा जो एग्जाम हुआ है अगस्त 2024 में जेएनएम फर्स्ट ईयर का, उसमें पूछा गया है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट नाम है बायो साइंस, टाइम 3 आवर्स का एंड मैक्सिमम मार्क्स 75। तो यहाँ पर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे जो बायो साइंस के अंदर है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो देखते हैं यहाँ पर नोट्स। दिस क्वेश्चन पेपर हैज 3 सेक्शन ए बी एंड सी, ईच सेक्शन इज कंपल्सरी टू सॉल्व। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है, ए बे एवं से, प्रत्येक खंड को हल करना अनिवार्य है। देखते हैं सेक्शन ए। नोट, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं एवं प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो 1 अंक का है, द गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लंग्स, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, प्लूरा, ट्रेकिया। आंसर है इसका बी, एल्वियोलाई। नंबर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग कनेक्ट्स वर्टिब्रल बॉडीज टू ईच अदर, निम्नलिखित में से वर्टिब्रल बॉडीज को एक दूसरे से जोड़ते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ देम। नंबर थर्ड देखते हैं यहाँ पर, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। तो आंसर इसका ए, सेरिब्रम। तो ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं, ग्लैंड प्रोड्यूस द मिल्क, इसका आंसर आएगा मेमरी ग्लैंड। नंबर सेकंड, एस एनोड इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट आएगा इसका आंसर। नंबर थर्ड, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे इज कॉल्ड, प्रथम सर्वाइकल वर्टिब्रे का नाम होता है एटलस। नंबर फोर्थ, मेन साइट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के विनाश का मुख्य स्थल है स्प्लीन। तो ये थे फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट गिवन बिलो। प्लेटलेट आर असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग ट्यू, द सेलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च ट्यू, इन द पल्मोनरी आर्टरी फ्लो प्योर ब्लड फॉल्स, रेनिन इज सिक्रेटेड बाय किडनी ट्यू। नेक्स्ट देखते हैं मैचिंग टाइप क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का ए बी सी एंड डी से मिलान करना है। फर्स्ट में यहाँ पर साइट, स्टोमक, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, एडीएस, तो इनका अपन मैच करते हैं। तो साइट में आएगा सी, ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट स्टोमक में आएगा बेगस नर्व, आइसलेट और आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसमें आएगा पैनक्रियाज, एंड एडीएच एंटी डायरेक्टिव हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पर इसके आंसर भी दिए हुए हैं आपको। नेक्स्ट नंबर सेक्शन बी देखते हैं यहाँ पर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है इसमें। नोट, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क, आंसर शुड बी इन 100 to 120 वर्ड। किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है, उत्तर 100 से 120 शब्दों में देने हैं। तो देखते हैं, एक्सप्लेन अबाउट इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को समझाइए। नंबर 6, राइट इन ब्रीफ अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन, त्वचा की संरचना एवं कार्यों को
संक्षिप्त में लिखिए। नंबर 7 देखते हैं, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रियाविधि को समझाइए। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ स्टिलाइजेशन, विसंक्रमण की विधि को समझाइए। डिस्क्राइब द न्यूरॉन विद द डायग्राम, न्यूरॉन का सचित्र वर्णन कीजिए। और नंबर 10 यहाँ पर, राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज, अग्न्याशय के संरचना एवं कार्यों के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर ये शॉर्ट नोट है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर सी सेक्शन सी देखते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कैरी 15 मार्क। तो इन तीन क्वेश्चन में से, तीन लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई भी दो अटेम्प्ट करने, देखते हैं इसमें। 11, डिफाइन जॉइंट एंड क्लासीफाई जॉइंट्स, एक्सप्लेन द असाइनेबल जॉइंट विद द सूटेबल एग्जाम्पल एंड डायग्राम, संधि क्या है इनका वर्गीकरण करते हुए साइनोवेल जॉइंट को उचित उदाहरण देते हुए सचित्र समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, डिफाइन ब्लड, डिस्क्राइब कंपोनेंट्स एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, रक्त को परिभाषित कीजिए, रक्त के घटकों व कार्यों का वर्णन कीजिए। 13 क्वेश्चन देखते हैं, ड्राई लेवल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन की क्रिया, पाचन की प्रक्रिया एवं अवशोषण को समझाइए। तो यहाँ पर ये इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन है तीन, इनमें से हमको कोई भी दो अटेम्प्ट करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा यहाँ पर बायोसाइंस का क्वेश्चन पेपर, जो जीएनएम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से अपना फर्दर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे YouTube चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पे नहीं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।